वाईफाई पे है रोलिंग। अभी मैं यही पूछ रहा था कि हम वाईफाई पे हैं या 4G पे है, भाई आई थिंक ये वाईफाई पे है और आज जियो का वाईफाई है जिसपे हम आज आपके साथ लाइव कर रहे हैं। ये आज हमारी चाय का टाइम हो गया है और खबरें भी बहुत सारी हैं। आज सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एक ब्रिटिश मीडिया ने, यूएस और ब्रिटिश मीडिया ने एक्चुअली एक स्टडी को, रिसर्च को रादर पब्लिश करना शुरू किया है। द रिसर्च वॉज डन बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका, दिस इज अ ब्रिटिश कंपनी, और इन्होंने जो रिसर्च निकाली है उससे ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके कैंपेन के समय पे एक कंपनीज के 50 मिलियन लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो 500 लाख के करीब लोगों के फेसबुक अकाउंट्स के डिटेल्स को मॉनिटर करा, फेसबुक के सर्वर से एक्सेस किया और उनको मैनिपुलेट करके अपने कैंपेन को एक तरीके का सक्सेसफुल बनाया। अब व्हाट्सएप के जो को फाउंडर हैं, व्हाट्सएप को मैं आपको सबको बता दूं, व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक की ही कंपनी है, और व्हाट्सएप के जो को फाउंडर थे जिनका नाम है ब्रायन एक्टन, उसने व्हाट्सएप की कंपनी छोड़ दी है और अभी उसने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसमें उसने ये बोला है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे वो अपने फेसबुक अकाउंट्स को डिलीट कर दें। अब आपसे बहुत लोग हैं, अभी ऑब्वियसली हमारे जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही, हम लोग सारे फेसबुक पे ही बात कर रहे हैं, हम सबकी बातें अभी इस वक्त फेसबुक पे हो रही है, अपने फेसबुक अकाउंट से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। बट अभी जो ट्वीट आया है ब्रायन एक्टन, एंड ब्रायन एक्टन इज वेरी वेल और वाज वेरी क्लोजली वर्किंग विद फेसबुक, क्योंकि व्हाट्सएप के कोफाउंडर यही है, व्हाट्सएप के बिना तो दुनिया ही अब बिल्कुल अधूरी हो गई है एक तरीके से। इन्होंने ये बोला है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट्स को इमीडिएटली डिलीट कर दें। मैं आपको वो ट्वीट अभी दिखाता हूं, दिस इज व्हाट द ट्वीट इज लुक लाइक। ये ब्रायन एक्टन है, ये इनका ट्विटर अकाउंट है ब्रायन एक्टन, एंड उन्होंने लिखा हुआ है इट इज टाइम, एंड हैशटैग डाल के लिखा हुआ है डिलीट फेसबुक। और ये आप देख सकते हो जैसे आज ही के दिन में सुबह सुबह 4:30 बजे सुबह का इनका ये ट्वीट है 21 मार्च को, और आप रीट्वीट्स और लाइक से देख सकते हो कि इनकी जो रीच है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि कुछ ही घंटों में इनका जो ट्वीट है वो बहुत लोगों तक चला गया है। इन्होंने साफ बोला हुआ है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट्स को डिलीट कर दीजिए। अब आप कमेंट्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू फील अबाउट इट, क्योंकि अगर आपके फेसबुक के अकाउंट्स, भाई फेसबुक पे हमने बहुत सी चीजें डाली हुई है, दीज आर वेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स वी हैव, फैमिली के हमारे सारे डिटेल्स इसमें होते हैं, बहुत सी अपनी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, अपने सारे डिटेल्स, जॉब प्रोफाइल्स, हमने सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं। अब ये डिटेल्स अगर एक्सेस कोई करता है तो उससे आपको कितना खतरा है, क्योंकि अगर किसी का, अब इट्स ऑल अलेज्ड, अभी कुछ पक्का नहीं है, बट कैम्ब्रिज एनालिटिका जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने यही एनालिसिस निकाला है कि जो डेटा था 500 लाख मतलब 5 करोड़ लोगों का, उसको एक्सेस करके मैनिपुलेट किया गया था 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सो एंड हम लोग सारे जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत थी अमेरिका में एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो एक मतलब इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि ये आदमी कभी आ भी सकता है और फिर जीत भी गया। सो इट माइट जस्ट बी ट्रू। तो आप जरा सोच के मुझे बताओ, लीव अ कमेंट एंड टेल मी व्हाट डू यू फील, फेसबुक आपके लिए क्या, आपको क्या लगता है कि आप इसको छोड़ना चाहेंगे या यूड लाइक टू टेक दैट रिस्क एंड बी ऑन इट एनीवे। अगली चीज जो आज हम बात करने वाले हैं वो अब थोड़ी सी हल्की न्यूज है, रेडमी नोट 5 एंड रेडमी नोट 5 प्रो आज सेल पे जा रहा है, फ्लैश सेल होने वाली है फ्लिपकार्ट पे और mi.com पे। अब ये फ्लैश सेल्स मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैं ये फ्लैश सेल्स काफी साल, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट अब 3 साल से देखता हुआ आ रहा हूं, जब भी ये फ्लैश सेल्स होती हैं 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी इनके फोन्स होते हैं वो सारे के सारे बुक आउट हो जाते हैं। आई मीन देर बुक इमीडिएटली एज सून एज द सेल स्टार्ट्स, 12 बजे सेल शुरू होगी और 12:03 में सेल खत्म हो जाएगी। तो इतनी भीड़ होती है इन वेबसाइट्स पे स्पेशली जब फ्लैश सेल्स होती है, स्पेशली फॉर द रेडमी नोट डिवाइसेज। ये आई थिंक ट्रेंड जो था रेडमी नोट 3 से शुरू हुआ था, रेडमी नोट 3 के समय पे मुझे याद है बहुत से लोग लेने की कोशिश कर रहे थे फोन को, बट ले ही नहीं पा रहे थे बिकॉज जब शुरू करते थे बुक करने की वो सेल पहले खत्म हो चुकी होती थी। अब Redmi Note 5 पे हम लोग आ गए हैं, 3 के बाद 4 के बाद 5, द अर्लियर फोन्स हैव बीन रनअवे हिट्स एंड नाउ इट्स द Redmi Note 5, Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro दोनों। अब इनमें मैं आपको बता दूं जो इनके बेसिक दाम है, Redmi Note 5 का जो शुरुआत का दाम है वो 10,000 रुपए से शुरुआत है इसकी, 3GB और 32GB की स्टोरेज के साथ, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ। एंड इसका जो टॉप वेरियंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, वो 12,000 रुपए का। Redmi Note 5 Pro की जो शुरुआत है वो होती है 14,000 रुपए से
और वो 14,000 रुपए जो है उनका 4GB रैम 64GB स्टोरेज के वेरिएंट के लिए है एंड इट गोज अप ऑल द वे टू 17,000 जहां पे इनके 6GB रैम की 6GB इन पे रैम है एंड ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंडेबल स्टोरेज वो 17,000 का पड़ेगा Redmi Note 5 Pro Redmi Note 5 Pro बोथ ऑफ देम आर गोइंग ऑन सेल टुडे 12 बजे इनकी फ्लैश सेल होगी एंड यू कैन ऑब्वियसली लॉग ऑन टू Flipkart एंड MI.com ये हमारे टेक न्यूज खत्म होगी एंड द सेल्स गोइंग टू बी ऑन बट इमीडिएटली अगर खरीदना चाह रहे हो दीज आर गुड डिवाइसेज हमें काफी हद तक वी बीन हैप्पी विद बोथ ऑफ देम यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दीज रिलायंस जियो अब जियो का राउटर जो मैं भी कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ राउटर नया टाइप का आ गया है They've brought out a new router. मैं अभी आपको उसकी फोटोग्राफ दिखाता हूँ The one that is currently we are using is this. ये है इनका जियो का जो राउटर है जो इस वक्त हम लोग यूज भी कर रहे हैं एंड इसका जो M2S था इसका नाम एंड इसके बाद जो है नया राउटर इन्होंने निकाल दिया उसकी शेप इन्होंने बदल दिया जैसे ये अब थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ एन एग शेप्ड राउटर हॉटस्पॉट जो है इनका हॉटस्पॉट डिवाइस है ये एक डिवाइस एक आप मान लो एक पोर्टेबल वाईफाई की तरह काम करता है और इसको आप ऑन कर दीजिए उसके बाद इस पे आप 31 डिवाइसेस तक 31 फोन या लैपटॉप व्हाटएवर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं इसमें आपको एक चिप लेनी पड़ती है जियो से और उस चिप को इसके अंदर डाल के एक आपको प्लान लेना पड़ता है डेटा का तो इसमें मैंने एक चिप डाली हुई है और मेरा इस वक्त 2GB पर डे का डेटा का प्लान है मैंने अभी 28 दिन का ही लिया हुआ है जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स और अभी तक काफी डिसेंटली ही चल रहा है एक दो जगहों को छोड़ के मोस्टली जगहों पे ये सही चल रहा है अब जो इन्होंने नया डिवाइस निकाला है उसका दाम है 999 रुपए एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक जैसे आप देख सकते हो पुराने वाले डिवाइस ऐसा था देखने में एंड जो नया वाला है वो राउंड है बिल्कुल एंड दिस इज द ओल्ड वन दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू इस तरीके से इसमें डिफरेंस आ गया ऑब्वियसली जो राउंड शेप है इट लुक्स बेटर जो बटन्स हैं उसमें फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं जैसे आप देख सकते हो ओवर हियर ऊपर दो बटन्स इसके दिए हुए हैं और जैसे आप यहां देख सकते हो इट विल सपोर्ट टैबलेट्स 2G 3G स्मार्टफोन्स 4G स्मार्टफोन्स लैपटॉप CCTV कैमरा और स्मार्ट टीवी हर चीज को आप इससे एक्सेस कर सकते हो और इसमें आप ये जो राउंड वाला जियो का जो हॉटस्पॉट डिवाइस है इसमें यू कैन एक्सेस अबाउट 31 डिवाइसेस कैन एक्सेस द इंटरनेट थ्रू दिस डिवाइस और 32 एक्चुअली टोटल इज 32 बिकॉज एक डिवाइस को आप USB से भी कनेक्ट कर सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम दिस हॉटस्पॉट डिवाइस तो टोटल में 32 डिवाइसेस कैन बी सपोर्टेड अब इतना मैं आपको बोल दूं कि ये 999 रुपए का आपको डिवाइस पड़ेगा उसके बाद 100 रुपए की आपकी एक जियो की सिम पड़ेगी और जो आपका उसके बाद डेटा का प्लान है और उस ये वन टाइम कॉस्ट है 1000 रुपए का जो ये है हॉटस्पॉट डिवाइस है और जो आपका सिम है दोज़ आर वन टाइम कॉस्ट उसके बाद आपको बस अपना प्लान हर महीने जब भी ये आपका एग्जॉस्ट हो जाए देन यू नीड टू बाय इट अगेन एंड फाइनली ये वाला जो जियो का नया वाला जो वो है हॉटस्पॉट डिवाइस है ये मेड इन इंडिया है ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए है सो दिस इज व्हाट इट इज एंड फाइनली ये दिस इज अ बिट ऑफ दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज नोकिया 5233 आपको अगर याद हो कि हम लोगों ने नोकिया के फोन्स शायद आज से 10 साल पहले या 2004 2005 या अर्ली 2000s में बहुत यूज करें हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन होता था एंड नोकिया 5233 अगर आपको ये फोन याद हो 2004 में ही आया था वो फोन अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक लड़की यूज कर रही थी एंड फोन उस वक्त चार्ज हो रहा था जब वो उसको उस पर बात कर रही थी फोन पे और उनके हाथों में ही ये फोन जो है एक्सप्लोड हुआ है एंड ऑफ कोर्स पूरे फेस पे इनके बर्न मार्क्स थे एंड व्हेन शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल शी डिड नॉट मेक इट शी वाज प्रोनाउंस्ड डेड व्हेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल अब फोन चार्ज होते हुए फोन को उन्होंने यूज करा था उस वक्त ऑब्वियसली फोन आप मान लो 2004 तो ऑलमोस्ट 10-12 साल 14 साल पुराना फोन हो गया इस वक्त बट चार्ज होते हुए ये फोन एक्सप्लोड हुआ है सो इट इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल सेफ कि जो एटलीस्ट जो पुराने फोन्स हैं उनको इतना लंबा खींचना पहली बात तो और चार्ज होते हुए फोन को आप यूज ना ही करें बिकॉज उस समय की जो बैटरीज थी वो मोटी होती थी पुरानी ऑफकोर्स बैटरीज थी एंड दे यूज टू हीट अप अ लॉट उस वक्त अगर आप ज्यादा फोन पे बात कर लेते हैं तो मुझे याद है कान पूरा गर्म हो जाता था आपका फोन पूरा गर्म हो जाता था एंड इट इज ऑफकोर्स जैसे मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको फोन की फोटोग्राफ एक किसी हद तक दिखा सकता हूँ दिस इज वॉट दैट फोन वॉज लुकिंग लाइक आप हालत देखो फोन की वो पूरे तरीके से फट चुका है बिल्कुल ही बिकॉज इट हैज एक्सप्लोडेड सो यू कैन इमेजिन ये तरीके का एक्सप्लोजन बिल्कुल किसी की शक्ल के साथ अगर हुआ हो तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट तो ये डेफिनेटली एज अ प्रैक्टिस आप रख लो कि चार्जिंग फोन को आप ना यूज करें और अगर आपका फोन इतना पुराना है तो आप डेफिनेटली सस्ते ऑप्शंस आज भी हैं
500-600 रुपए में भी फोन आपको मिल जाते हैं. देर आर फीचर फोन विच आर देर, यू कैन यूज दोज, उनको इस्तेमाल कर लीजिए, फोन बदल लीजिए, पुराने फोन को ना यूज करें इतने लंबे और चार्ज होते हुए तो बिल्कुल भी यूज ना करें. सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही है. और कुछ भी अगर आप और जानना चाह रहे हो, अभी कुछ देर में हम लोग अपना टेक जुगाड़ फिर से शूट करेंगे. वी गोइंग टू टेल यू दिस टाइम हाउ यू कैन क्लीन योर फोन इन अ वेरी इनोवेटिव वे. क्लीन योर फोन से मेरा मतलब फोन में स्क्रैचेस लग जाते हैं तो उनको आप कैसे साफ कर सकते हो, दैट वी गोइंग टू टेल यू. सो स्टे ट्यून्ड, आज ही शाम को हमारा टेक जुगाड़ आएगा. श्रुति आपको कुछ नए फोन्स के बारे में बताने वाली है एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट अ न्यू कैमरा फ्रॉम पैनासोनिक. सो लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, सी यू.